तोता भी खेलता है इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज बनाएंगे अपनी डेली रूटीन पर व्लॉग। सोया उठो, फ्रेश हो लिया है, अब जाने लगा हूँ अपने छोटे भाई रुमान को मदरसा छोड़ने। रुमान का आज दिल था जी छुट्टी करने को। बारिश हुई है सुबह बहुत ज़्यादा और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। इसका दिल था कि आज छुट्टी हो जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार छुट्टी नहीं करनी, एक एक दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती है, जल्दी जल्दी तुम ना बस हाफ़िज़े कुरान बन जाओ। तो अच्छा किया है ना इसे छुट्टी नहीं करने दी, वो बना हुआ है इसका, नाराज़ हो गया है। देख सकते हैं यार अब कुछ पानी नीचे हो गया है, तो हम निकले हैं आज, हो गए हैं लेट, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं यार। रुमान के मदरसे हम पहुँच चुके हैं। रुमान कह रहा है कि भाई आप मेरे साथ अंदर चलो, कारी साहब को आप बताएं कि लेट क्यों हुए हैं, कारी साहब मुझे डांटेंगे। तो मैंने कहा चलो यार तुम्हारे साथ चलते हैं, कारी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं यार क्या होता है, इसे डांट पड़ती है या आज बचत होती है। माशाल्लाह सुबह सुबह रोज़ा रसूल की ज़्यारत हो गई है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। मेरी दुआ है कि जो जो ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला उसे भी अपना घर देखना नसीब फरमाए और रोज़ा रसूल देखना नसीब फरमाए। कारी साहब से होगी है हमारी बचत, रुमान को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, मैं आ चुका हूँ बाहर। कारी साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि बेटा इसे छुट्टी नहीं करवानी, इसका एक एक दिन जो है ना वो बहुत कीमती है, इसे डेढ़ साल हो चुका है, इसे जल्दी से जल्दी हिफ्ज़ कंप्लीट करवाना है। आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे जल्दी से जल्दी कामयाब करे, उसका हाफ़िज़ा मजबूत करे। अब मैंने यार उसे लेने आना है, 4 बजे जाने लगा हूँ वापस। ये मेरी डेली की रूटीन होती है कि रुमान को मैंने 4 बजे लेने आना होता है। ये ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हैं यार, 7 ही हैं तकरीबन, 8 मंथ हो गए हैं। लोग कहते हैं बड़े अंडे बच्चे देते हैं, हमारे तो कोई नहीं देते यार, उतने ही हैं। और एक ये लव बर्ड है, ये मेल है, इसकी फीमेल लेके आनी है। जेरी खेल रहा है भाई तोते के साथ, वो तोता भी खेलता है इसके साथ। लव बर्ड तोता खेलता है ना जैन, वो देखो ये क्या कर रहे हैं दोनों। लो जी ये दोनों तो मस्तियां कर रहे हैं, इनकी दोस्ती हुई है। तोता डरता ही नहीं जेरी से, नहीं डरता आसमान जेरी को जाके इधर। वो देखो जेरी क्या कर रही है, वो देखो। मेरे अब्बा जी ने यार कबूतर भी रखे हुए, ये 2 खुमरे भी हैं हमारे पास, जोड़ा है ये भी। एलेक्स को कल रात इंजेक्शन लगवाया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया एलेक्स, लेकिन ना कल का सुस्त हुआ है। ये क्या पकड़ा है तुमने, जेरी पकड़ ली है। जेरी तुमसे भाग जानी है अभी। ये मेरा भतीजा है जी, बड़े भाई का बेटा उस्मान। उस्मान वो जेरी भाग गई। उस्मान ये क्या कर रहे हो, सीधे हो जाओ, वो जेरी तुम्हें देख रही है, वो देखो। जेरी जेरी नहीं आती, जेरी गुस्से हो गई हमसे। जेरी को पकड़े, ट्राई करते हैं जेरी को पकड़ने की। जेरी जेरी खेलेगी अब, इसे पकड़ेगी तो भाग जाएगी, है खेलती है, वो देखो भाग गई। जेरी आजा, बेड में सो पड़े, पाओ के साथ खेल जेरी। वॉशरूम में पेशाब करने आई है जेरी, क्या करने आई है इधर, क्या करने आई है इधर, बताओ ना जरा। छोटे भाई को मदरसे छोड़ने के बाद मैं घर जाके सो गया था, फिर उठा हूँ 2-4 काम थे बाहर के वो किए, करने के बाद नहा के अब रुमान को मैं लेने आ गया हूँ उन्हें, और वो आ रहे हैं, साथ उसका दोस्त भी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब ने सुबह कुछ कहा था नहीं, आज की पढ़ाई ठीक रही है, चले माशाल्लाह सही है। घर आने के बाद रेडी शेडी हो लिया है, अब हम जा रहे हैं लव बर्ड के लिए फीमेल लेने। बर्ड वाली शॉप पर आ गए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तो यार परिंदे ही परिंदे, कबूतर कितने प्यारे हैं, लेकिन ये कैसा क्रॉस है, वाइट और ब्लैक खुमरे ऐसे हमारे पास भी आपको दिखाए हैं। यहाँ पे तो तोते ही तोते यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए यार, हमें चाहिए ये ग्रीन वाला, क्योंकि हमारे पास ग्रीन वाला है मेल है, तो हमें फीमेल चाहिए। रुमान वैसे वो येलो वाला ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा, येलो उसके साथ ठीक रहेगा ग्रीन के साथ, देख लो। वैसे ये भी वो वाला सीन हो जाना, जैसे वो कबूतर है ना वाइट और ब्लैक,
वैसे ही हमारा मेल हो जाना है जी ग्रीन और फीमेल हो जानी है येलो। पता नहीं कैसे बच्चे निकलेंगे फिर इनके। येलो ये वाले हैं, ये कंप्लीट जोड़ा है, इतना प्यारा लग रहा है। तो अभी देखते हैं भाई से, करते हैं डिस्कस, वो भाई हमें बताएगा यार कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर हम डिफरेंट कलर लेंगे ना, ग्रीन वाला मेल है, फीमेल लेते हैं ना येलो वाली, तो मेरा ख्याल है इनके बच्चों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, प्यारे प्यारे होंगे। ये वाले तुम्हारे पास है, हमारे तो देते ही नहीं है यार अंडे। ये भी आज बंदे से ना पूछते हैं, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनसे पूछते हैं यार कि क्यों नहीं देते अंडे, क्यों नहीं बढ़ रही हमारे तोतों की नस्ल। वो थोड़े थोड़े ही हैं, इनके पास इतने इतने ज़्यादा हैं, जिन लोगों ने भी रखे हैं उनके पास ज़्यादा ही है। रुमान क्या चक्कर है, खुराक का चक्कर है या वैसे ही वो लगता है? सारी हमने फीमेल रखी हैं, सारी फीमेल नहीं रखी हुई यार, तीन मेल हैं और चार फीमेल हैं वो ऑस्ट्रेलियन। अब हम यार करते हैं भाई से डिस्कस। फिर तो हमने ले लिया यार ग्रीन वाला पैरट, हमारा तो फैसला हो गया। रुमान वैसे सही ले लिया कि नहीं? येलो लेना था यार। रुमान कह रहा है येलो लेना है, मैंने कहा नहीं ग्रीन ठीक है। मैंने उस आदमी से पूछा तो उसने कहा यार बच्चे नहीं इतने खास नहीं निकलने इनके, तो ग्रीन है तो ग्रीन ही ले। मैंने कहा चलो ठीक है यार, लेकिन रुमान ने थोड़ी सी जिद की हुई है कि नहीं यार येलो लेना था। येलो वैसे था तो प्यारा, ये देखे येलो के साथ येलो फिर ज़्यादा प्यारा लगता है। वो ग्रीन है तो ग्रीन ही लिया है हमने। फर्स्ट टाइम डेली रूटीन पे हमने व्लॉग बनाया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।